तो गाइस देख सकते हैं बहुत टाइम बाद हमने ये अपना कैंप लगा दिया। धूप भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव बनाई है, तो क्या बोलते हैं अभी हम थक चुके हैं, तो अब क्या करेंगे थोड़ा पानी वानी पी के कुछ बनाएंगे खाने को, मतलब चाय वगैरह टेस्ट करेंगे मीठा। तो अब करते हैं, ये हमारा कैंप लग चुका है, दूर दूर से देख सकते हैं ऐसा सीन है, और आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये बैक वाला व्यू है कुछ ऐसा, पूरा फ्रंट में पानी ही पानी जहाँ वहाँ, और ये पूरा सीन है। तो गाइज अब थोड़ा ही टाइम है हमें खाना वाना बनाने के लिए, क्योंकि अंधेरा का टाइम हम भी थोड़ा इंतज़ार करेंगे, और वैसे हमारा खाने पीने के कैंपिंग का स्टार्ट कर देंगे वीडियो। तो वीडियो देखते रहिए और क्या होता है आगे सीन में क्या क्या करते हैं हम, तो फुल व्यू देखिए आप भी। टेम्परेचर में भी चाय पियेंगे मोबाइल पर। ये हो गई हमारी जो डेली आप देखते होंगे स्टोव, और आज तो हमको अंदर ही करना पड़ेगा क्योंकि बाहर में जो है बहुत ही ज़्यादा हवा है, तो अभी लकड़ी वगैरह भी तो नहीं ला सकते हम, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा उसके बाद हम लकड़ी लेके आएंगे। तो गाइस हमने जो पनीर लाया ना, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि मतलब ये चैलने लगा है, इसको अभी हम पानी में रखेंगे, पानी सामने ही हमारे, तो वहीं से लेके आएंगे। नहीं हमारे पास कैन है, ऊपर से कैन ला रहे भाई, तो कैन में का पानी यूज करेंगे और पानी इसमें रखेंगे। तो गाइस देख सकती है पूरा पनीर जो है थोड़ा थोड़ा चैलने लगा था मतलब, तो इसके कारण से क्या है अच्छा नहीं बन पाएगा, तो इसलिए हम बढ़िया पानी में रखेंगे। एक एक जो बाइट है हम चेक करते हैं। बहुत बेटर, चलो इसको पैक करते हैं और इसको पानी में रखते हैं, ठंडे पानी में बढ़िया सा मज़ेदार लगेगा। तो ये देख सकते हैं सकते ये वाला पूरा पानी ज़्यादा हो गया, तो भी बढ़िया ये ठंडा हो जाएगा और अच्छा खासा मजबूत। तो टेम्परेचर ना बहुत ही ज़्यादा होने लगा है, हीटिंग सा हो रहा है, तो ये अभी हो जाएगा। और अभी हम चाय की जुगाड़ कर रहे इधर, तो तेजस भाई लगा रहे गैस लेकिन लग नहीं पा रहा उनसे, तो भी मैं लगाऊंगा। बहुत जो हवा आ रही थी, तो हमने पूरा बैकग्राउंड से अपना पर्दा लगा दिया, दिखाया आपको, देख सकते हैं आधा पर्दा लगा दिया है, बाहर का कुछ ऐसा सीन है। और हम अभी यहाँ पर चाय बनाने की प्रोसेस में लगे, स्टोव रख दिया, हवा बहुत आ रही थी, तो अभी चाय वाय रखेंगे, चाय का लुप्त उठाएंगे। तो स्टैंड भी अच्छा जुगाड़ लगाया हमने, ये लटका दिया यहाँ पर, कुछ ऐसा सीन है, और स्टैंड को लगा के हम अभी करेंगे चाय की पार्टी। मैं
थोड़ी सी डाय दे। ले पानी ले। गाइस हमारे यहाँ अभी चाय की थोड़ी चुस्की लेकर हो गया। अभी रमन भाई कर रहा कैंप को बंद और अभी हम जाएंगे कुछ लकड़ियाँ लेने और लकड़ियाँ लाएंगे फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो रहने दे उसको अभी चलना भी तो फिलहाल है ना। तो अभी हम कुछ लकड़ियाँ जमा करेंगे आसपास से। तेजस भाई कार्य में जुट चुके हैं देख सकते हैं और लकड़ी वगैरह चुनेंगे यहाँ से। तो तेजस भाई को भी एक लकड़ी मिल गई, मुझे भी एक लकड़ी मिल गई। रमन भाई टाइम पास कर रहा है। लकड़ियों का हमको खदान मिल जाएगी, ये लकड़ियों का खदान है। पूरी निकालेंगे हम इसको यहाँ से, खाना वाना बनाने के लिए काम में आएंगे। ये ज़्यादा खाना तो इतनी सारी लकड़ी और लकड़ियों की तरह आगे भी बढ़ेंगे। तेजस भाई बोल रहा है इसको बेचेंगे। गाइस बहुत दूर चलने के बाद भी हम कुछ लकड़ी नहीं मिल रही, इधर पूरा प्लेन ही रही है, लकड़ी छह नहीं इधर बहुत। तो मजे आ रहे इधर घूमने में। शर्ट तो वही रख दिया क्योंकि बात यह है कि थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है। कुछ लकड़ियां हम छानबीन कर रहे इधर।
का है ऊपर से नीचे से ये आपके नीचे आप ले लें। तो गाइस फाइनल जो हमको लकड़ियों का भंडार मिल गया, मेरे पास भी, तेजस पास भी और रमन पास भी, सभी के पास लकड़ियाँ होगी। कहो गए तेजस पास कुछ ऐसे चल रहा है, मैं कुछ ऐसे चल रहा हूँ, रमन भाई कुछ ऐसे चल रहा, और हमारा कैंप पूरा होकर बहुत दूर है, चल रहा है क्या। तो ये देख सकते हैं तीनों भी हो गए अभी लकड़ी चुनते हुए। तो अभी करेंगे हम तैयारी खाना बनाने की, और खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, संडे एंजॉय करेंगे आज, फिर कल से और काम से लग जाएंगे। हाँ मज़ा आ गया। तो गाइस ऐसे सीन में बहुत मज़ा आता है, नेचर का जो है ना वातावरण बहुत ही मज़ेदार है। तो गाइस देख सकते हैं लकड़ी वगैरह सब कुछ ला के रख दिया हमने, और अभी हम करेंगे खाना बनाने की तैयारी। बतख बतख तो बहुत ज़्यादा मतलब इधर उछल कूद मचा रही है, और ये देख सकते कितना अच्छा सीन लग रहा है वो पट्टी। तेजस भाई निरंतर कार्य में लगे हुए है खाना बनाने।